जवेरिया नकाब में ब्लॉगिंग करती हैं, फूड ब्लॉगिंग करती हैं। वजह क्या है कि ये एकदम से नकाब करने लग गई है? मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग भी करती थी, वीडियोस वगैरह जब मैं बनाती थी मेरी, तब निकाब से पहले वीडियोस भी वायरल होती थी, मिलियंस पे जाते थे उसके व्यूज। तो मैंने खुद से, मैं बाहर निकलती थी, मेरे साथ मेरी नीज होती थी, मेरी पोजीशन आई है पूरे सिंह में। तो जो माशरे की तरफ से ट्रोलिंग देखने को मिलती है वो कितनी फेस करी? जब मैं वीडियोस अपलोड करती तो मेरे रिव्यूज ऑनेस्ट होते थे, मैं फेक रिव्यूज पे काम नहीं करती। लोगों का काम है कहना, लोग आपको कोई मतलब बहुत कम होता है जो सपोर्ट करते हैं। कभी फैमिली ने एतराज़ नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था मैं गलत काम नहीं कर रही। मेरे साथ जवेरिया मौजूद हैं। हर किसी को लगता है कि कामयाबी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो लोग इन मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि अपने मुकाम तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है, और एक औरत के लिए इस माशरे में कितनी ज़्यादा तनकीदें, कितनी ज़्यादा मुश्किल उसके सामने आती हैं। जवेरिया नकाब में ब्लॉगिंग करती हैं, फूड ब्लॉगिंग करती हैं, लेकिन कितनी तरह की मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, और आखिर वजह क्या है कि ये एकदम से नकाब करने लग गई? ये सवाल बड़ा ट्रेंडिंग पर रहता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं, इनसे पूछते भी रहते हैं कि भाई ऐसी क्या वजह बनी। तो बात करते हैं जवेरिया से और जानते हैं इनकी जर्नी और इस बात का जवाब भी कि ये नकाब में अब क्यों ब्लॉगिंग करती हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जवेरिया? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने का क्यों सोचा? ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने का मैंने इसलिए सोचा कि पहले जो थी मैं शेफ के तौर पर काम करती थी, मेरा होम बेस्ड वर्क था, केक्स वगैरह मैं बनाती थी। तो हुआ ऐसा कि मेरे पास कुछ ब्लॉगर्स आए, उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको प्रमोट करेंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो एक होम बेस्ड जो होम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है सपोर्ट की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम जो है मैं इन्हें केक्स वगैरह सेंड करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कितना मेरे पास रिस्पांस आता है। तो मैंने एक ब्लॉगर को सेंड किया तो मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद मैंने बोला चलो कोई नहीं, एक से नहीं हुआ तो मैं दो तीन। उस वक्त आप सोशल मीडिया पर नहीं थी? नहीं, उस वक्त मैं उस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं थी। मैं अपनी वीडियोज़ खुद से, मतलब अगर मैं केक बना रही हूँ तो मैं खुद से कुछ शॉर्ट्स ले लिया और मैंने अपने पेज पर अपलोड कर दिया था कि मेरे पास ऑर्डर्स आए, उस तरह से मैं काम। तो ये सब आपने कुकिंग बेकिंग कहीं पर सीखी थी? जी, मैंने गौतम से और स्किल्स वैली से कोर्सेज किए हैं कुकिंग का और बेकिंग का। मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया है और कॉम्पिटिशन में भी मैं जो है वो हिस्सा लिया है, विन भी किया है मैंने। सही। और तो फिर मैंने इस तरह से स्टार्ट किया। मतलब ये कि मैंने जब देखा कि मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया कस्टमर का, तो ये चीज़ मुझे बड़ी ट्रिगर करी। मैंने बोला अगर हम किसी को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो जो है सामने से कम अज़ कम हमें रिस्पांस तो आया, और अगर आप ये डिमांड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कस्टमर आएगा, तो वो क्यों नहीं आ रहा मेरे पास ना। तो फिर मैंने कहा कि अगर यही काम करना है, मतलब ये कि मैं खुद से स्टार्ट करूँ और मैं लोगों को प्रमोट करूँ और मैं देखूँ कि ये जो है लोगों को भी काम मिलना चाहिए। तो मैंने खुद से, मैं बाहर निकलती थी, मेरे साथ मेरी नीज होती थी, हम लोग बाहर निकलते थे, हम लोग जो है बाहर जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कहीं पे भी गए, हमने बैठ के खाना खाया, वहाँ पर खुद से पे किया और खुद से वीडियोस बनाई, होम बेस जो होते थे उनसे बाय किया। मतलब आपने जब धोखा खाया, हाँ, तब आपको हुआ कि अब मैं ही ऐसे हाँ प्लेटफॉर्म पे आ जाऊं जो और लोग धोखा खा रहे होंगे, एटलीस्ट वो ना खाएं? एटलीस्ट वो ना खाएं, क्योंकि मैंने एक ब्लॉगर से नहीं खाया, मैंने तीन चार ब्लॉगर से खाया। तो इसी वजह से ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि अच्छा, मैंने फिर जब सर्च किया तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, हर चीज़ फेक। तो जब मैंने इस दुनिया में कदम रखा तो मुझे पता चला कि कितना फेक चल रहा है इंस्टाग्राम, कितना फेक चल रहा है। और हर चीज़ एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने हर चीज़ देखी कि किस तरह से ये सारी फेकनेस चल रही है इंस्टाग्राम के जरिए, और लाइक पॉड्स लोगों ने बनाए हुए हैं, कॉमेंट पॉड्स बनाए हुए हैं कि आपस में एक दूसरे को कॉमेंट्स कर रहे हैं कि हम बाय करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, हर चीज़ करनी है तो ऑथेंटिकली करनी है, अपने कोई फेक फॉलोअर्स नहीं गेन करने, कुछ भी नहीं करना। चाहे कम स्टार्ट होगा, शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, खुद को मुझे खर्च करना पड़ेगा, ना मैंने किसी से मांगा भी नहीं कि मुझे सेंड करो इस तरह से। तो फिर ऐसा करते करते मैंने, मतलब ये कि मैंने देखा कि जब मैं वीडियोस अपलोड करती तो मेरे रिव्यूज ऑनेस्ट होते थे, मैं फेक रिव्यूज पे काम नहीं करती, और अगर कभी कोई मुझे कोलैबोरेशन के लिए बुलाता भी तो मैं उनसे पहला मेरा मैसेज ये होता है कि मैं ऑनेस्ट बेसिस पे काम करूंगी तो ही मैं फिर आपकी चीज़ प्रमोट करूंगी, अगर वो एग्री करते हैं तो फिर मैं करती हूँ। तो लोगों का एक ट्रस्ट भी ये गेन हो चुका है कि ये रिव्यूज जो है ये ऑनेस्ट ही होंगे।
सही, फिर कस्टमर भी जो है वो ऐसा होता है कि आगे बढ़ते गए, तो फिर मैंने जो है इसी फील्ड को पकड़ लिया, क्योंकि उसमें मुझे मजा भी आने लगा उस कभी फील्ड में। फैमिली ने एतराज नहीं किया? फैमिली तो शुरू से बहुत एतराज करती थी, मेरे फादर और मदर वगैरह बहुत कहते थे कि ये काम नहीं करना, ये लड़कियों का काम नहीं है, लेकिन मैं जो थी वो शुरू से काफी जिद्दी बच्चों में घर का तो मैं अपनी जिद के ऊपर मैंने किया, कोर्सेज वगैरह भी अपनी जिद पे किए, हर चीज अपनी जिद पे किया। घर वाले कहते थे नहीं करो, मैं कहती थी मुझे करना है, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत काम नहीं कर रही। मैं शुरू से मतलब करती भी थी तो मैं हिजाब में ही करती थी, निकाब नहीं करती थी, लेकिन मैं हिजाब में वेस्टर्न ड्रेसिंग होती थी, ऊपर हिजाब होता था, कम से कम ये होता था कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही, मैं अपने लिए ही कर रही हूँ और आगे ही मुझे बढ़ना है इसमें, तो इसी वजह से। लेकिन फिर जब घर वाले देखते थे कि हाँ ये कर रही है और इसके अंदर ये आगे भी बढ़ी, जैसे मैंने पहले शेफ के कोर्सेज किए तो उसके अंदर देखा घर वालों ने, पहले तो मुझे मना किया कि ये नहीं करो, क्या करोगी तुम करके, तुम यूट्यूब पे सीख लो, हर चीज तो है, तुम्हें आता तो है बनाने, तुम क्या करोगी बाहर जाके सीख कर। तो मैंने बोला नहीं मुझे कुछ न्यू सीखना है, मुझे करना है। तो घर वाले जब घर वालों ने देखा कि मेरी पोजीशन आई है पूरे सिंध में, फर्स्ट पोजीशन मैंने ली, तो फिर उसके बाद वो हो गए कि हाँ भाई मतलब एक फेम मिलना शुरू हुआ ना, चलो ठीक है सही कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मुश्किलात कब शुरू हुई? देखें, जर्नी जब स्टार्ट होती है इंसान की, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे होते हैं। मेन चीज़ जो फेस करने को मिल रही होती है, जो मैंने भी फेस करी है, और भी फीमेल्स जो काम कर रही हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपना फेस दिखा रही हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रही हैं, ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो जो माशरे की तरफ से ट्रोलिंग देखने को मिलती है, वो कितनी फेस करी? वो बहुत ज़्यादा फेस करी है ट्रोलिंग, फेसबुक पर बहुत फेस की है, फेसबुक पर तो मतलब इंस्टाग्राम पर तो फिर भी लोग इतना नहीं करते हैं, फेसबुक पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है मेरे साथ, मतलब जब मैं निकाब नहीं करती थी उससे पहले भी, जब निकाब करना स्टार्ट किया उसके बाद भी, मतलब एप्रिशिएट कभी किसी ने नहीं नहीं किया? अप्रिशिएट करने वाले भी हैं, फैंस भी काफ़ी सारे हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ट्रोलिंग भी बहुत करता है। ट्रोलिंग ज्यादातर देखने को हाँ मिली। ट्रोलिंग ज़्यादा तो देखने को मिलती है। किस हवाले से क्या ट्रोल करते हैं? मतलब एक बंदी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो उस पे किस तरह की ट्रोलिंग आपने देखी है? बुरे बुरे कमेंट्स करते, जैसे अब मैंने निकाब करना स्टार्ट किया तो ये फेमस हो गई है इस वजह से निकाब करना स्टार्ट किया। कभी लोगों की ट्रोलिंग देख के ये जहन में नहीं आया कि ये छोड़ दूं? देखिए ट्रोलिंग देखकर तो जहन में आता है कि अब लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन लोगों का काम है कहना, लोग आपको कोई मतलब बहुत कम होता है जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोग आखिर में कहते हैं इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बंदी बहुत अच्छी थी या ये बंदी बहुत बुरी थी तो इसीलिए नहीं लोगों को, मैंने शुरू से लोगों को नहीं सुना ना लोगों को देखा, अगर मुझे कोई ट्रॉल भी करता, यहाँ तक कि मेरे खानदान वाले अगर मुझे कोई बुरा कहते तो मैं नहीं सुनती थी, एक कान से सुनती दूसरे कान से निकालती थी। आप यही देख लें कि मेरे घर वालों ने मुझे मना किया कि तुम ये कोर्सेज ना करो, तुम सोशल मीडिया पे ना हो, लेकिन मेरी एक जिद थी और मेरा मेरा शौक था, शुरू से मेरा शौक था कि मैं वीडियोज बनाऊँ। जब मैं इंस्टीट्यूट में होती थी ना तो जब टीचर हमें सिखा रहे होते थे तो मैं वीडियोस बनाती थी वहाँ पर, अच्छा, तब भी मैं मतलब मेरी जो गौतम की वीडियोस है वो अभी तक मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है और मैंने उसमें सारी सेव की हुई है, और जितने भी हमारे मेंबर्स थे वो सारे स्टूडेंट्स में ऐड है, और अभी भी वो मुझे मैसेज करके कहते हैं कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें कोई रेसिपी नहीं मिलती तो हम तुम्हारी वीडियो जाके देख लेते हैं, वो प्राइवेट ग्रुप है हमारा गौतम का, तो वो उसमें, तो मुझे वीडियोज बनाने का शौक शुरू से था और मैंने कभी किसी की नहीं सुनी कि वो मुझे मना करे कि ये काम नहीं करो, तो मुझे पता था ये काम गलत, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने फिर कभी ना लोगों की सुनी ना अपने घर वालों की सुनी। अच्छा, ये क्या सीन था कि पहले जब आपने स्टार्ट किया था, जब आप नकाब के बगैर वीडियोस बनाती थी, और फिर बीच में अचानक से परमानेंटली नकाब, हर वीडियो नकाब में, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीज़न ये था कि अक्सर हम बैठ के स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो यूथ क्लब की वीडियोस, तो हवाई की वीडियोस, डॉक्टर इसरारुल हसन की वीडियोस, डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियोस, और तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो मेरे सामने उनकी वीडियो है तो हवाई की, कि उनमें वो कह रहे थे कि सॉन्ग्स वगैरह सुनना हराम है और गुनाह है ना, तो वो चीज़ मुझे बड़ा दिल पे लगी। मैंने बोला कि ये चीज़ मुझे पता नहीं थी कि सॉन्ग सुनना हराम है, क्योंकि हमें तो माशरे को कुछ नहीं पता, जब तक हमारे सामने हदीसें नहीं आएंगी हमें कैसे पता चलेगा, ना हम बैठ के कोई सुन रहा होता है ना पढ़ रहा होता है, तो मैंने बोला आज से मैं सॉन्ग वगैरह नहीं सुनूंगी। तो फिर अब ड्राइव करती हूँ मैं खुद, तो मैं बाहर जाती थी तो सॉन्ग्स मेरी गाड़ी में, जाहिर सी बात है ऐसे तो बंदा बोर हो जाता है, तो फिर मैंने जो है अब मैं बैठी हूँ, मैंने कहा मैं क्या लगाऊँ, हदीस लगा दूँ कुछ ना, तो जैसे मैंने यूट्यूब ऑन किया तो मेरे सामने सूरह अहज़ाब की आयत आई, तर्जुमा विद तर्जुमा था, कुरान पढ़ा हुआ है लेकिन तर्जुमा नहीं पता, कि कुरान के अंदर तर्जुमे के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पूरी ज़िंदगी बताई हुई है कुरान के अंदर तर्जुमा अगर हम पढ़ेंगे तो। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया, मतलब क्लिक किया मैंने उसके ऊपर, और जब मैंने सुनना शुरू किया पूरी आयत तो वो तर्जुमे के अंदर ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने आपस में कहा कि ए नबी अपनी बीवी और बेटी और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करे, बाहर निकला करे तो अपने चेहरों पर घूंघट लटका कर चादर लगा लिया करें,
मतलब अपने आपको पूरा कवर करके अपने बाहर चेहरे को निकल, ढांप हाँ लें। अपने चेहरे को ढांप लो और अपने आपको पूरा कवर करके बाहर निकल। तो वो चीज़ मेरे बड़े दिल पे लगी, मुझे लगता था कि मैं हिजाब कर रही हूँ सिर्फ तो वो मेरा पर्दा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, निकाब करना ही असल चीज़ है, फ़र्ज़ है निकाब करना। तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी, घर वाले कहते थे, मेरी अम्मी भी निकाब करती, घर वाले कहते थे पर्दा करो, लेकिन मुझे लगता था कि वो बस ऐसे ही कहते हैं कि पर्दा करो ये नहीं पता था कि कुरान में बाकायदा हुक्म है इस चीज़ का कि पर्दा करो। सही। तो फिर मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग भी करती थी और ऊपर हिजाब होता था, हिजाब के बगैर तो मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है, तो मुझे लगता था कि मेरा पर्दा है। तो फिर ये मेरे दिल में आया कि नहीं ये चीज़ तो है, और मैंने काफ़ी इसके ऊपर सोचा लोगों मैंने। को इससे भी तकलीफ हो गई, पहले भी तकलीफ थी लोगों को, फिर इस पे भी तकलीफ हुई कि आप नकाब में वीडियोस क्यों बना रही हैं। तो मैंने फिर उसके ऊपर काफ़ी सोचा कि जो है अब मुझे पर्दा स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टिल कि मैंने अगर अचानक से पर्दा स्टार्ट कर दिया तो मुझे लोग क्या बोलेंगे कि इसको क्या हो गया अचानक से, या इसको उसकी ज़िंदगी में कुछ इसको धोखे मिल गए, लोग ये समझ रहे इसकी शादी हो गई है, इसके हस्बैंड ने इसको पर्दा ऐसे ही स्टार्ट बिल्कुल कर सही। दिया। तो मैंने बोला मैं किस तरह से करूँ, तो मैंने जब मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग करती थी, पैंट शर्ट पहनती थी मैं, ऊपर हिजाब होता था, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने वेस्टर्न ड्रेसिंग करना बंद कर दी, मैंने अबाये के ऊपर हिजाब करना शुरू कर दिया। ठीक है, सही। तो अचानक से मेरा मतलब प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक से उम्रे का हो गया, घर वालों ने कहा कि अब उम्रे पे जाना है हमें, तो कुछ प्लानिंग्स नहीं थी, अचानक से एक हफ्ते के अंदर अबू ने लगाया वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट हुआ, तो चले गए हम उम्रे पर। तो वहाँ पर जब मैं हरम में बैठी हूँ तो मेरे दिमाग है कि तुम्हें अब निकाब स्टार्ट करना है, मतलब नहीं तुम्हें इस तरह से नहीं रहना, तुम्हें निकाब स्टार्ट करना है। तो अब एक इंसान को एक डिप्रेशन भी होती है कि अगर मैंने निकाब स्टार्ट कर दिया तो मैं सोशल मीडिया पर इस तरह से काम कर रही हूँ, सब क्या होगा, मतलब एक दिमाग में ना खिचड़ी पकड़ी होती है और चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा होता है बंदा। तो फिर मैंने इसके बाद काफ़ी सर्चिंग करी, मेरी एक फ्रेंड है जो कि मलेशिया में रहती है, वो खुद आलमा है, वो भी निकाब करती है ना, तो मैंने उससे मशवरा किया, मैंने कहा कि ये जो है कुरान में भी हुक्म है तो ये फ़र्ज़ है क्या निकाब वगैरह करना, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सिर्फ हिजाब कर लिया फेस खुला हुआ है तो वो भी हमारा पर्दा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये चीज़ नहीं है, आपको पूरा निकाब ही करना पड़ेगा, अगर आपको पूरी तरीके से पर्दा करना है तो हिजाब करना निकाब करना फ़र्ज़ है। तो फिर उसके बाद भी मैंने काफ़ी सर्चिंग करी, तो फिर मैंने वहीं पर ही सोच लिया कि नहीं अब मुझे करना है, चाहे मेरी वीडियोस ये नहीं हो रही है, मुझे अल्लाह ताला मतलब ये कि दिल में था कि और उम्मीद थी अल्लाह ताला से, ये उम्मीद थी कि होगी एक ना एक दिन तो होगी ना, कोई चाहे काम वीडियो में फर्क नहीं, आया था नकाब करने के बाद? बिल्कुल आया था काम में फ़र्क, वीडियोज़ वगैरह जब मैं बनाती थी मेरी तब निकाब से पहले वीडियोज़ भी वायरल होती थी, मिलियंस पे जाते थे उसके व्यूज़, फिर जब मैंने स्टॉप निकाब करना शुरू किया तो मेरे व्यूज़ आना कम हो गए, लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि इसने दिखावे के लिए निकाब स्टार्ट कर दिया है, पता नहीं अपने को क्या समझती है ये, और जो है फेमस हो गई है तो निकाब स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट्स आना शुरू हो गए ना, मैंने उनको भी इग्नोर किया और 3-4 महीने मेरी वीडियो स्टिल स्टॉप हो गई थी अपनी जगह पर। और ये कि दिल में भी आ रहा था कि अब क्या करूं भाई, अब तो बिल्कुल ही डाउनफॉल, नीचे नीचे जा रही है वीडियोस, मैंने कहा फिर भी मैं उसी चीज़ पर अड़ी थी, मैंने कहा नहीं छोड़ना, अब कर लिया तो कर लिया, बिल्कुल ही कर लिया। तो फिर उसके बाद ये कि वो अल्लाह ताला की तरफ से भी एक आजमाइश होती है, अल्लाह ताला देखना चाहता है कि अगर इस बंदी ने निकाब स्टार्ट किया है और अगर इसकी मतलब ये कि फेम कम हो रहा है, ये बिल्कुल ही डाउन जा रही है, तो अब ये क्या करेगी, तो उसके ऊपर मैं अड़ी रही, मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ना मुझे ये। तो फिर उसके बाद ये कि खुद ही वीडियोज़ फिर खुद उठना शुरू हो गई, क्योंकि उम्मीद थी अल्लाह ताला से कि एक ना एक दिन तो होगा, तो वो स्टार्ट हो गया अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये कि मिलियंस पे व्यूज़ आते हैं, वो सब बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बीइंग अ वुमेन सबसे ज्यादा क्या मुश्किलात इस पूरी जर्नी में देखने को मिली है? सबसे ज़्यादा मुश्किलात ये कि औरत जो है ना वो अकेले काम अगर करना चाहे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुआशरे की तरफ से भी और घर वालों की तरफ से भी, कुछ घर वाले होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में मेरे घर वालों ने मुझे वीडियोस में सपोर्ट नहीं किया, मुझे कोर्सेज करने में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये आगे बढ़ रही है और ये कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, मतलब ये कि जो सॉन्ग्स के ऊपर नाचना गाना आजकल आपको पता है जैसे टिकटॉक पर जो चल रहा है वो नहीं कर रही है, इज्जत के साथ काम कर रही है, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, मेरी नीज़ तो मेरे साथ मतलब शुरू से उन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया था डे वन से। फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया तो वो भी मेरे साथ ज़्यादा था वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ये कि मुश्किल आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलती है आपको माशरे की तरफ से भी, लेकिन आपको ये चीज़ सही तरीके से इज्जत के साथ आप काम करोगे तो मुआशरे को भी ना देखो ना किसी और को देखो और खुद अपने काम में लग जाओ ना, तो फिर वो आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्टिल देखने तो पड़ेगी भाई मुश्किल, और उससे आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स अगर मैं दो चार आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ऐसे कमेंट जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं थे, जो लोगों ने आपको इंतहा की हद तक ट्रोल किया,
तो आपको, जिसने आपको बड़े दुख भी पहुंचाया, जिससे आपका माइंड भी एक वक्त को डाइवर्ट हुआ होगा कि शायद मैं अब इस प्लेटफॉर्म से हट जाऊं। कमेंट्स ये थे कि तुमने पर्दा करना स्टार्ट कर दिया तो अब तुम वीडियोस बनाना भी बंद कर दो, तुम्हें हक नहीं हो पहुंचता इस चीज का कि तुम अब वीडियोस भी बनाओ, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर औरत ने पर्दा किया है तो उसको एक कमरे के अंदर भी एक छोटा सा कमरा बनाए उसको बंद करके ताला लगा दे, लोगों का माइंड ये है, लेकिन असल में ये नहीं है। औरत पर्दे के अंदर रहकर हर काम कर सकती है। तो ये चीज कमेंट्स इस तरह के ही थे, और मतलब पर्सनल में मैसेज कर रहे होते थे, कमेंट्स तो करते थे लेकिन पर्सनल में मैसेज भी करते थे कि तुम जो है अपने आपको क्या समझती हो और तुमने पर्दा करना क्यों स्टार्ट कर दिया है, ये औरत की आवाज का भी पर्दा होता है, अपना जो है बंद करो चैनल, तुम ये क्यों तुम कर रही हो अब ये काम, इस तरह से। तो मैंने उनको भी इग्नोर किया। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी जो व्लॉगिंग है, जो आप रिव्यूज दे रही होती हैं फूड के, कितने रिव्यूज मैंने पर्सनली खुद देखे हैं कि आपने रेस्टोरेंट वालों को जलील कर दिया। बिल्कुल, मतलब होता है ना कि जितने भी व्लॉगर्स हैं, मैं बहुत से व्लॉगर्स को जानती हूँ और मेरे हिसाब से गिनती के दो चार ही हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, वरना तो ज्यादातर व्लॉगर तारीफ ही करके चले जाते हैं और फिर जब उनके व्लॉग देख के कोई अच्छी जगह पे पहुंचता है तो उन्हें फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट का बुरा रिव्यू दे दे तो वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, तो ये कितनी हद तक सच बात है? देखिए ये बात सच है, क्योंकि मैंने कोर्स किया हुआ है शेफ का। अब जो व्लॉगर्स बने हुए हैं ना, वो सिर्फ ऐसे ही व्लॉगर्स बने हुए हैं, उन्हें पता नहीं है फूड के खाने देने बारे वाले में। हैं बस। हाँ, उनको फूड के बारे में नहीं पता, उनको रेसिपीज के बारे में नहीं पता। तो जब मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ तो मैं बाकायदा उनसे पहले मेरी एक मीटिंग होती है, मैं बैठ के बात करती हूँ कि आपको किस चीज़ की आपको प्रमोशन करवानी है, इस फूड में आपने क्या किया, मतलब सारी चीज़ें मैं उनसे पहले डिटेल लेती हूँ, उनका किचन देखती हूँ कि किचन उनका साफ है या नहीं है। फिर जब वो मुझे प्रोडक्ट देते हैं तो मैं उसका रिव्यू करती हूँ। तो जब मुझे टेस्टिंग में कोई मसला होता है तो मैं उनको कहती हूँ कि आपकी टेस्टिंग में ये मसला है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने कितने रेस्टोरेंट्स में अपनी रेसिपीज भी दी हैं। तो ये है कि हर चीज़ देखने के बाद ही फिर मैं, और उनसे मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ आप मुझे सर्व करो, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत चल रहा है कि जो चीज़ व्लॉगर को दी जाती है वो चीज़ कस्टमर को नहीं दी ऐसे ही जाती है। है। वो मुझसे कहते हैं कि हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि हम देंगे, मैंने कहा आप देख लें, क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती। अवाम का पैसा हराम का नहीं है, अवाम हलाल का कमाती है, और वो ये चाहती है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वही चीज़ हमें मिले। तो जब ऐसा नहीं होता वो मेरे साथ मिसकमिटमेंट करते हैं। तो मेरे पास जब बैड कॉमेंट्स आते हैं तो मैं उनको, मेरा एक मैसेज जाता है उनको, मैं कहती हूँ कि देखें आप इस चीज़ को ठीक कर लें, वरना मैं आपकी जो है वो अगेंस्ट में वीडियो बना दूंगी, मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने मुझसे कमिटमेंट की है तो आपको ये चीज़ पूरी करनी पड़ेगी। वो जब नहीं मानते तो फिर मैं अगेंस्ट में वीडियो बनाती हूँ उनकी, वरना तो बीच पहले में कोई मैं एक उनसे कहती रेस्टोरेंट हूँ। ऐसा था भी जिसने काफी जो है वो कस्टमर्स को डिसअपॉइंट किया जी था? ये जमजम रेस्टोरेंट था, उन्होंने जो है, उनकी कहानी ये थी वो मैं बताऊंगी, कि उन्होंने वो ये करते थे कि वो रेस्टोरेंट किराए पे जगह लेते थे, रेस्टोरेंट ऑन करते थे और वो ब्लॉगर को बुलाते थे, बहुत सस्ती डील रखते थे, और फिर जो है एकदम से जब लोग आते थे वो कमाते थे और रेस्टोरेंट बंद कर देते थे, फिर वो अच्छा, कहीं और खोलते थे। उन्होंने ये अपना बनाया हुआ ये हाँ था। उन्होंने बनाया था, और उस जिस बंदे ने मुझे बुलाया था उस बंदे ने मुझे ये बात बताई थी कि मेरे तीन चार और भी रेस्टोरेंट्स थे और फिर जो है वो मैंने बंद कर दिए और फिर मैंने दूसरी जगह पे जाहिर खोला है, है। जब आपके रिटर्न कस्टमर नहीं होंगे तो फिर रेस्टोरेंट चलेगा तो नहीं। एक बार वीडियो देख के क्राउड आता है तो फिर हाँ, दोबारा लोग नहीं आते। अगर तो आप उन्होंने जब मुझे दिया तो उन्होंने बहुत ज्यादा भर भर की चीजें डाली, और जब कस्टमर को दिया तो जैसे सैंडविच है, सैंडविच के अंदर चिकन होती है, तो उसमें चिकन नहीं थी, खीरे डाल के दे दिए मायोनीज लगाकर, तो वो चीज़ बहुत बुरी थी। अब मैं उनसे मैसेज पे, मैंने 3 दिन मैंने उनसे लड़ाई की उनके ऑनर से, मैंने कहा इसको आप ठीक कर लें वरना मैं जो है आपके अगेंस्ट वीडियो बना दूंगी। उनको लग रहा था कि ये ऐसी बोल रही है, ये नहीं कर सकती, मतलब कौन करता है। तो फिर जाके उन्होंने बोला आप खुद चेक करवा लें, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर भेजा अपने फ्रेंड्स को, मैंने कहा जाओ जाके देख करो, वो गए जाके देखने के लिए। वो जब देखने के लिए गए तो उन्होंने भी, उनको वही चीज़ सर्व की जो वो दूसरे कस्टमर को सर्व कर रहे थे, उन्होंने मुझे मतलब बताया चोरी कि पकड़ी जब, गई। हाँ चोरी पकड़ी गई। और मेरे पास बाकायदा लोग मुझे गालियां दे रहे थे मैसेजेस में, अल्लाह तुम्हें गरक करे, बिल्कुल तुमने है। तुमने जो है झूठे रिव्यूज दिए हैं। वो चीज़ मुझे लग रही है, मैंने बोला कि मैंने तो झूठे रिव्यू दिए नहीं, मेरी वीडियो में नजर आ रहा है कि हर चीज़ भरी भरी है, टेस्ट भी उसका अच्छा था, लेकिन वो जब लोगों को नहीं दे रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है। जो मैंने वो चेक करवाए, वीडियोज वगैरह मैंने ऑनर को सेंड की और मैंने बड़ा उनसे लड़ाई की, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पता तो है कि अगर 700 प्लेटर अच्छे जा रहे तो उसमें से 100 बुरे चले गए तो क्या बात होगी। मैंने कहा 100 का पैसा हराम का तो नहीं है ना, आप सबको एक जैसा दो। तो फिर उन्होंने जब मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, तो फिर मैंने उनको, मतलब वाकई में आपके बुरा, मगर किसी रेस्टोरेंट का बुरा रिव्यू आप दे दे तो फर्क बहुत पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट गेन हुआ हुआ है कि ये झूठा रिव्यू नहीं देगी, और अगर देगी तो बिल्कुल ऑनेस्टली ही देगी।
क्योंकि मैं मलेशिया भी गई हूँ, मुझे मलेशिया से भी कोलेब्रेशन आई हैं, रेस्टोरेंट उन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने 5-6 रेस्टोरेंट्स कवर किए हैं मलेशिया में। तो ये चीज़ मलेशिया में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में मैंने देखा ये नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मुझे सर्व करते थे कस्टमर भी गया है, मतलब मेरे फैन फॉलोइंग मलेशिया में भी है, ये मुझे मलेशिया जाके पता चला। तो जब मैंने रिव्यू किया तो जब कस्टमर गया तो उनको वही चीज़ सर्व की, और यहाँ तक कि शेफ़, जब मैंने शेफ़ से पूछा कि आप यही चीज़ दोगे, तो उन्होंने कहा कस्टमर लेता ही नहीं है, वो कस्टमर वीडियो दिखाता बोलता है यही चीज़ दो वरना हम नहीं लेंगे। तो ये लोगों के अंदर भी ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में ये चीज़ नहीं है, लोगों को अगर सही चीज़ नहीं मिलती ना, वो खा पी कर चले जाएंगे और फिर आके कमेंट में बैड रिव्यू देंगे कि भाई वो तो ऐसा था, इसने तो झूठा रिव्यू दिया। लेकिन बाहर मुल्कों के लोग ऐसा नहीं करते, वो वहीं पर ही खड़े होकर अड़ जाते हैं कि नहीं, अगर जो चीज़ वीडियो में दिखाई है, जितनी भरी हुई चीज़ें हैं वही चीज़ दो तो हम लेंगे वरना हम नहीं लेंगे। अच्छा, आपके फॉलोवर्स में मेजॉरिटी किसकी है, मेल्स की या फीमेल्स की? मेरी मेजोरिटी मेल्स की है, ज़्यादातर मैं जब इनसाइड देखती हूँ तो मुझे मेल्स की ज़्यादा नज़र आती है इनसाइड में। सही हो गया।